अलमेकम जूनियर वन हाउ आर यू ऑल आई होप सो यू ऑल आर फाइन रेडी फॉर योर मैथ्स लेक्चर सो ओपन योर बुक पेज नंबर ट्वेंटी टू ठीक है पेज नंबर ट्वेंटी टू में आज हमने एक्सरसाइज ट्वेंटी सेवन करनी है बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये इस एक्सरसाइज में हमने नंबर नेम्स लिखने हैं ठीक है यहाँ पे जो नंबर नेम्स लिखे हुए हैं इन्हीं नंबर नेम्स को हमने यहाँ पे रिपीट करना है ठीक है ट्राई करना है यहाँ पे टेंस वाले नंबर्स लिखे हुए हैं सारे यानी टेन टी ई एन टेन इनकी स्पेलिंग्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और यहाँ पे रिपीट करने हैं ये नंबर्स लाइक टेन टी ई एन टेन उसके बाद टेन के बाद ट्वेंटी एंड द स्पेलिंग ऑफ ट्वेंटी इज टी डब्ल्यू

T-Y. Forty. F-O-R-T-Y. Forty. Clear? Next number here fifty. Five, zero, 50 And the spelling is F-I-F-T-Y. Fifty. F-I-F-T-Y. Fifty. के okay? टी आगे से सारे जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे बिकॉज सिक्स अब आप देखो सिक्स का क्या स्पेलिंग है क्या स्पेलिंग है हमने याद किया ना सिक्स की स्पेलिंग सिक्स की स्पेलिंग है एस आई एक्स एस आई एक्स सिक्स ओके तो सिक्स टी टी के स्पेलिंग टी वाई टी सिक्स टी इजी ठीक है सिक्सटी के स्पेलिंग एस आई एक्स टी वाई सिक्स टी नेक्स्ट सेवन टी पहले हम लिखेंगे सेवन एस से ई वी ई एन सेवन टी वाई सेवन टी अच्छा जी नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से आपने सारे रिपीट करने हैं एटी एट की स्पेलिंग पहले लिखेंगे ई आई जी एच टी एट वाई एटी ई आई जी एच टी वाई एटी नेक्स्ट नाइन्टी पहले नाइन की स्पेलिंग लिखेंगे एन आई एन ई नाइन टी वाई नाइन्टी एन आई एन ई नाइन टी वाई नाइन्टी एंड द नेक्स्ट इज नाइन्टी के बाद Hundred twenty one H U N D R E D आर H U N D R E D आर क्लियर तो आपने ये सारे रिपीट करके लिखने हैं यहाँ से और इसके स्पेलिंग्स अच्छी तरीके से याद करें जब आपको ये वाले स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे पहले हमने वन वन टू टेन तक हमने काउंटिंग याद की थी और अब हमने ये याद किए हैं ठीक है इसके स्पेलिंग्स याद किए हैं तो इसका मतलब हम आगे से किसी भी नंबर की स्पेलिंग्स easily हम लिख सकते हैं नंबर नेम्स लिख सकते हैं जब आपको ये वाली स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी ठीक है तो इसमें आपने ये वाले अच्छे से स्पेलिंग्स याद करनी है उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ओके okay? आज के लिए सिर्फ इतना ही आप सिर्फ आप आपने इसमें रिपीट करनी है ये नंबर्स और प्लस आपने इसके स्पेलिंग्स याद करके तो बेशक आप अपनी नीट कॉपी पे लिख लो या रफ कॉपी पे लिख लो बल्कि अच्छा है कि आप अपनी नीट कॉपी पे लिख लो और कॉपी को उसी तरह रेडी करना है जिस तरह मैंने बाकी के सब्जेक्ट में साइंस में मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपने रेडी करना है कॉपी को मार्जिन लाइन और कॉलम लाइन लगानी है डेट एंड डे मैंशन करनी है टॉपिक नेम लिखना है पेज नंबर लिखना है देन स्टार्ट योर वर्क ओके तो आपने अच्छे तरीके से बेटा इसके स्पेलिंग्स याद करने हैं जो डेली का काम होता है वो डेली किया करो ओके थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज़